इसे आएगा 3, और जब 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। क्लियर है, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं 94 पे। 94 में क्या था? सीओजीएस। इसमें मैंने कहा था तुम्हें कि इसमें तुम लोग सपोज करो तुम्हारी जो टोटल सेल है, क्या है सेल्स, सेल्स कितनी है 100, तो 100 में से तुम लेस करो सीओजीएस। क्या लेस करोगे? सीओजीएस। सीओजीएस कितनी है 70। इसमें से माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करना वो कितना है 20, और ये आ जाएगा तुम्हारा 10। ठीक है, ये तुम्हारी इनकम है 10। इसमें प्लस करना एक इनकम हो रहा है हमारी अदर, नेट इनकम। ठीक है, इसमें प्लस कर लेना अदर इनकम को, वो कितनी है 5, तो कितना हो गया 15। इसका राइट आंसर क्या है? 15%। बताइए सब लोग, 15% इज राइट आंसर। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। आज बिल्कुल कंप्लीट कर देना है इसे। लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जो लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो इंडिकेट करता है किस चीज को, बताइए। 95 का आंसर, 95, 95 का राइट आंसर है ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये है कि हमने ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 का करिए आंसर। क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा? 96। 96 बताइए सब लोग। राइट आंसर सी। 96 का राइट आंसर सी। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर पे जो हमारा क्या है डिविडेंड कैसे इतना है, और डिविडेंड रेशियो तो कैसे फाइंड आउट डिविडेंड कितने पे है ना, और इसका आंसर आएगा 20%। और प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हाई टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है। हाई टर्नओवर रेशियो किस चीज को इंडिकेट करता है, बताइए। 107, 107 का राइट आंसर बताइए इफिशियंसी को। ठीक है, कि कंपनी की जो इफिशियंसी है बिल्कुल सही है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक, किसके बीच में रिलेशनशिप शो करेगा ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है, 109। 109 में देखिए क्या आंसर है।
109 में पूछा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसमें ऐसी इनकम है जो हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बताइए कौन सी इनकम है। ठीक, इसमें ऐसी कोई भी इनकम, सही सॉरी यहाँ पे थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये सभी हमारी जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। उसके बाद चलते हैं नॉन प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होता है, बताइए क्या इंक्लूड है, 110, 110 का राइट आंसर सी, ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111, अर्निंग यील्ड रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो ये बेस है, ये किस पे बेस है, 111 बी पर, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर पे। उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 112, 112 में क्या है, कैश इतना है, डेटर्स इतने हैं, इन्वेंटरी इतनी है, क्या फाइंड आउट करना है, लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स, तो लिक्विड असेट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, बस इन दो को प्लस करेंगे, हमें और एक्स्ट्रा प्लस करने की क्या जरूरत है, ठीक है, तो ये आ जाएगी अगर, तो इसका राइट आंसर है ए, क्यों, क्योंकि हमें पता है लिक्विड असेट्स में हम लोग क्या नहीं इंक्लूड करते हैं, एक तो इन्वेंटरी नहीं करते हैं, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, किसमें, लिक्विड असेट्स में, लिक्विड असेट डज नॉट इंक्लूड, देखो यहाँ पे दे भी दिया है इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, दो वर्ड है जिन्हें हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं लिक्विड असेट्स में, क्वेश्चन नंबर 113 का डी। उसके बाद 114, लिक्विड लाइबिलिटीज डज नॉट इंक्लूड, बताइए 114 में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 115, करंट असेट्स इतना है, करंट लाइबिलिटीज इतनी है, तो करंट रेशियो कितना होगा, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी ए अपॉन में सी एल, ठीक है, खुद से फाइंड आउट करना है। उसके बाद चलते हैं 116, 116 में देखिए क्या है, करंट असेट्स इतने की हैं, और इस करंट असेट्स में स्टॉक भी है कितने का, 50,000 का, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 1,25,000, क्विक रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी क्विक रेशियो इज इक्वल टू सी ए माइनस स्टॉक और अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, तो यहाँ से तुम लोग खुद से फाइंड आउट करोगे, ठीक है, 2 लाख में से, 2 लाख में से 50,000 माइनस कर देना और डिवाइड करना किससे, करंट लाइबिलिटीज से, 1,25,000, ठीक है, कितना आंसर आएगा 116 का, 116 का आंसर बता रहे हैं बी, ठीक है, 1.2:1। उसके बाद चलते हैं 117 पे, क्वेश्चन नंबर 117, 117 देखो, 117 कैसे होने वाला है, 117 सेल इतने की है, इन्वेंट्री ये है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, तो तुम लोग क्या करोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा इजी फॉर्मूला है, सेल्स को डिवाइड कर देना किससे, इन्वेंट्री से, किससे डिवाइड कर दोगे, इन्वेंट्री से, तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए, 117 का आंसर बी बता रहे हैं, ठीक है, 117 का आंसर बी। उसके बाद 118, परचेज इतना है, परचेज रिटर्न इतना है, सन्डे डेट क्रेडिटर्स इतने हैं, बिल्स पेबल इतने के हैं, बिल्स पेबल टर्नओवर बताना है, तो बिल्स पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं लिख के फिर भी दिखाऊंगा, बिल्स ये पेबल टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर रेशियो इसका फॉर्मूला है नेट परचेज, ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज को तुम लोग डिवाइड कर देना, नेट क्रेडिट परचेज को तुम लोग डिवाइड कर देना किससे, जो हमारे एवरेज क्रेडिटर्स हैं, एवरेज क्रेडिटर्स, तो नेट परचेज लेना इसमें से, इसे माइनस करके और इसे डिवाइड कर देना इन दोनों को प्लस करके, कर दिया सभी ने, सभी का आंसर आ गया 2.22 बता रहे हैं, ठीक है, आस्था ने ये आंसर बताया बहुत अच्छा है, रूपांशी ने बताया। उसके बाद चलते हैं 119 पे, क्वेश्चन नंबर 119 क्या पूछा है, 119 में, क्वेश्चन नंबर 119 में, देखिए 119 में परचेज, ये परचेज है, ये अपने क्रेडिटर्स हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड पूछा हुआ है, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज, परचेज कितने की है, 662,500
और यहाँ पे है 7,50,000 और इंटू 360 या फिर 365 लेके देख लेना, 360 लेके भी काम चल सकता है, अगर नहीं आया तो एक दो पॉइंट कम ज्यादा हुए तो 360 देख लेना, ठीक है। 119 का राइट आंसर है सी, ठीक है, सभी को क्लियर है। उसके बाद सेल इतनी है, ग्रोस प्रॉफिट इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी, तो तुम लोग क्या करना, कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट माइनस करो, ठीक है, डायरेक्ट माइनस करो। 120 का राइट आंसर है ए, ठीक है। 80 लाख में से 20 लाख ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, सभी को क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। क्वेश्चन नंबर 121, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग कितना है, एवरेज, एवरेज कैसे करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122, नेट सेल इतनी है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इतने हैं, क्या निकालना है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो तुम क्या करोगे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल और डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना है, इससे। कितना आंसर आएगा, 122 का, 122 का राइट आंसर आएगा 4.6। उसके बाद चलते हैं 123 पे, 123 में क्या है, टोटल सेल इतने की है, फिक्स असेट्स इतने की है, हमें क्या निकालना है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है कि जो सेल्स है, ठीक है, टोटल सेल्स को डिवाइड कर दो किससे, फिक्स असेट से। देखो कितना आंसर आ रहा है, 123 का, 123 का आंसर आएगा 4 टाइम। सब लोग चेक करो, क्लियर है, सभी को क्लियर है ना। तन्नू और आयुषी, ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी हो जा रहा है। ग्रोस प्रॉफिट इतना है, नेट सेल इतनी है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। इसके लिए तुम फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट और अपॉन में नेट सेल्स और इनटू 100, ठीक है, तब आंसर चेक करना। बताओ भाई इसका आंसर कितना है, जल्दी से 124 का आंसर बताइए। रिया क्या तुम्हें अभी भी साउंड नहीं आ रहा है, और यह क्या तुम्हें अभी भी साउंड नहीं आ रहा है। उसके बाद चलते हैं 100, ठीक है, देखिए, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 125 ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज इतना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, फिर से बता रहा हूँ, बार बार बताऊंगा जितनी बार भी आएगा। सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग, इस तरह से तुम इसकी वैल्यू जो है ना फाइंड आउट करना, ठीक है, 3 लाख आंसर बता रहे हैं। उसके बाद 126, क्वेश्चन नंबर 126 क्या दे रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना है, टैक्स इतना है, और यह है डिवेंचर्स, तो क्या बताना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वाला क्वेश्चन किसका हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 126 क्वेश्चन किसका कंप्लीट हो चुका है, जिसने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं कंप्लीट किया मेरे साथ देखेगा वो। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तुम लोग लिखना देखिए यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है, 15 लाख, ठीक है, कितनी है, 15 लाख, और 15 लाख से तुम सबसे पहले लेस करोगे इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, 14%, 10 लाख पे। डिबेंचर्स पे कंपनी क्या पे करती है, इंटरेस्ट, तो तुम लोग क्या करना, 10 लाख का, 10 लाख की कितनी अमाउंट फाइंड आउट करोगे, कितने परसेंट, 14%, ठीक है, 14%, 14% का मतलब है यहाँ से 2 जीरो कम हो जानी है, यानी कि 140,000, 140,000 आ जाएगा, या ये जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग कहेंगे अर्निंग
बिफोर टैक्स, फिर इसमें से तुम माइनस करोगे क्या टैक्स इसका, ठीक है, इसका जो ये अमाउंट आई है ना अर्निंग बिफोर टैक्स, इसका 50% कैलकुलेट करना तुम इसका, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो ये कुछ हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये सभी को कंप्लीट करना है, पहले इंटरेस्ट माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसका 50% उसी में से लेस कर देना, ठीक है, करोगे सभी लोग, ठीक है, रिया ने इसका आंसर सही बताया, देखिए कितना 86 नहीं है 60, देखिए जल्दी से इसका आंसर 125, 125 का राइट आंसर है ए, ठीक है 68। चलिए उसके बाद चलते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सभी लोग नोट करते रहे ऐसी कोई बात जो उनकी समझ में नहीं आई या क्वेश्चन अलग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और नंबर ऑफ शेयर इतने हैं, ईपीएस निकालनी है, बड़ा सिंपल को फॉर्मूला है ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, तो तुम क्या लिखना अर्निंग या प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है, तो इसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है, उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर, मींस एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है, करंट रेशियो। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए करंट रेशियो कितना है 2, वर्किंग कैपिटल इतनी है और करंट लाइबिलिटीज इतना है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला है CA/CL, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA-CL, CL, ठीक है, सभी का आंसर हो गया ये, इसी फॉर्मूले से, इन दो फॉर्मूले से सब लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 128 को, ठीक है 128 को सभी लोग सोल्व कर लेना, करंट रेशियो अगर तुमको हो तो मैं करके दिखाऊं, बाकी सभी लोग कोशिश करेंगे, 4 लाख बता रहे हैं, ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर 4 लाख है, करंट लाइबिलिटीज इतनी है, करंट रेशियो इतना है, करंट असेट्स फाइंड आउट करनी है, तो यही फॉर्मूला यूज करना, करंट रेशियो इज इक्वल टू CA/CL, करंट रेशियो कितना है 3:1, और CA तुम्हें पता नहीं है बट CL पता है कितनी 4 लाख, क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी ऐसे ही करना और ये भी ऐसे ही करना है, ठीक है 130, 130 का आंसर कितना है, 130 का आंसर है बी, और उसके बाद 131 का आंसर भी क्या है बी 4 लाख, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और तुम्हें ठीक है कुछ कोई बात कोई डाउट किस तरह का भी हो तो मुझे सेंड कर देना ग्रुप में, और बाकी हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा फंड फ्लो, ठीक है, क्या नाम होगा फंड फ्लो, फंड फ्लो में थ्योरी ज्यादा है, ठीक है, दो फॉर्मेट है इसके अंदर फंड फ्लो के, एक तो है तुम्हारा क्वेश्चन 100, ठीक है 126 बता देंगे दोबारा से, इसमें दो फॉर्मेट हम लोग रीड करेंगे, एक तो फंड फ्लो और एक चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चलिए 126 दोबारा से देखते हैं, 126, 126 में फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है फॉर्मेट बनाता हूँ, तुम ये समझो कि एक फॉर्मेट है, इससे हटके पूरा फॉर्मेट समझना, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसे कहते हैं हम लोग ईबीआईटी, ठीक है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें से लेस करते हैं हम लोग इंटरेस्ट, क्या लेस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दो ही चीजों पे लग सकता है, या तो लोन होना चाहिए या फिर डिबेंचर्स होने चाहिए, फिर जो भी लेस करने के बाद अमाउंट आएगी ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद उसे कहेंगे हम अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से माइनस करेंगे टैक्स, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमेशा 50% लेना है, ठीक है और वो भी किस अमाउंट का लेना है, इस अमाउंट का 50% यहाँ पे लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसे, ये यहाँ पे बिफोर था अर्निंग बिफोर टैक्स, और यहाँ पे हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है यही तक हमारे से क्वेश्चन में आंसर पूछा हुआ था, फिर आगे भी यही फॉर्मेट
आगे भी है, आगे क्या है, फिर जो हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स आई है हम इसे डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा EPS, अर्निंग पर शेयर। तो इस तरह से तुम कंप्लीट कर लेना, मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया है, तुम फॉर्मेट्स के थ्रू नोट करना, कंप्लीट करना, ठीक है। और बताओ कोई और। नहीं अभी कुछ और नहीं करा रहा हूं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल से नया हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये सबसे लेंथी चैप्टर था, इसने हमारा काफी टाइम कंज्यूम किया, और इसमें देखो तुमने देखा भी होगा फॉर्मूले भी बहुत थे। बताइए तन्नू, तन्नू और आयशी, कर लोगे कंप्लीट? ओके, गुड नाइट।